जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में इकाई अंक निकालना सीखेंगे। यह अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आइए इसके लिए पहले कुछ आवश्यक नियमों को जान लेते हैं। जैसे हमें पहला नियम यह बतलाता है कि 0, 1, 5, 6। पहला नियम के अनुसार 0, 1, 5, 6 का इकाई स्थान हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। 0, 1, 5, 6 का इकाई स्थान हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, यदि इसके पावर में हम कुछ भी लिखते हैं, इसके पावर में कुछ भी आप दे दीजिए, यदि इसका इकाई अंक पूछ दिया जाता है तो हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक के जगह पर जो संख्या दिया हुआ है, यदि उसके जगह पर 1 है या 5 है या 6 है या फिर 0 है, इसके बाद में इसके पावर में चाहे कुछ भी लिख दिया जाए और इकाई अंक यदि पूछा जाता है तो हमेशा इकाई अंक यदि 0 यहाँ पर है तो 0 हो जाएगा, यदि 1 है तो 1 हो जाएगा, यदि 5 है तो 5 होगा, यदि 6 है तो 6 हो जाएगा। यानी कि इसका यदि का इकाई अंक क्या होगा पूछा जाता है तो इसके स्थान पर वंश के स्थान पर इकाई अंक जो है, यदि यहाँ पर 1 है तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि यहाँ पर 6 होता है तो पावर हमारा चाहे कुछ भी रहे, इकाई अंक उस समय 6 होगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि इकाई अंक यहाँ पर 5 है और पावर दे दिया गया 155, तो इसका इकाई अंक पूछा जाता है तो इकाई अंक इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। उसी तरह से कोई और संख्या लेते हैं 9326, इसके पावर हम दे लेते हैं 101, यानी कि इसका इकाई अंक पूछा जाता है तो इकाई अंक इसका हो जाएगा 6। हम फर्स्ट में देखेंगे कि फर्स्ट में कौन सी अंक है, डिजिट है, यदि यहाँ पर 6 है, 0 है, 1 है या फिर 5 है, तो पावर में चाहे कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी लिखा हो, उसका इकाई अंक यदि पूछा जाता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है हमारा 6 है, 5 है, 1 या फिर 0 है। तो 0 है तो इकाई अंक हमारा 0 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, या फिर यदि 1 है तो 1 हो जाएगा। इसके पावर में कितना दिया है कितना नहीं दिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि इकाई अंक पूछता है अर्थात 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। सेकंड नियम की ओर चलते हैं। सेकेंड नियम हमें यह बतलाता है कि 2, 3, 7 तथा 8 का 2, 3, 7, 8 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसके पावर को यानी कि इसके घात को हम 4 से भाग देते हैं। भाग दे करके हम शेषफल ज्ञात करते हैं। यदि शेषफल हमारा रिमाइंडर हमारा यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो इसका घात यानी कि इसका पावर हम उतना ही समझते हैं जितना से हम भाग दिए हैं, अन्यथा हमारा शेषफल ही इसका घात यानी कि पावर हो जाता है। फिर से सुनते हैं। 2, 3, 7 तथा 8 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम इसके पावर को यानी कि इसके घात को सबसे पहले 4 से भाग दे लेते हैं। यदि भागफल 0 आता है तो इसका घात उतना ही समझा जाता है जितना से हम भाग दिए हैं, अन्यथा इसका शेषफल ही इसका घात हो जाता है। जैसे इसे हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, कोई संख्या है जैसे 7 के पावर 105 है का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है 7 के पावर 105 है का इकाई अंक क्या होगा। तो इस समय में हम देखेंगे कि 7 यानी कि 2, 3, 7,
8 हो, तो इसके पावर को सबसे पहले हम इसके पावर को यानी कि घात को हम 4 से भाग दे लेंगे, भाग दे लेंगे यानी कि 105 में इसके पावर में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 × 8 फिर 25 फिर 24 जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, यानी कि जो शेषफल बचेगा वही पावर के रूप में हो जाएगा, यानी कि 7 × 1 = 7 हो गया, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसके पावर को घात को हम लोग 4 से भाग देंगे, पावर को 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद में जो शेषफल आता है वही पावर के रूप में चला जाएगा, यानी कि 105 में हम जब 4 से भाग देंगे तो 26 बार में 104 चला जाएगा, एक रिमाइंडर के तौर पर बचेगा, एक रिमाइंडर हमारा शेष बचेगा, तो जो शेष बच रहा है वही अब 7 के पावर के रूप में आ जाएगा, यानी कि 7 की पावर अब 1 बच गया, वही शेष जो बचा था उसी को हम लिख दें 7 की पावर 1, यानी कि इकाई अंक 7 हो गया हमारा, और इकाई अंक ही पूछा है अतः इकाई अंक हो गया 7। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3127 के पावर जो है घात के रूप में दिया है 173, यानी कि 3127 के पावर 173 का इकाई अंक, इकाई अंक पूछा गया है, तो इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, यदि 7 है यहाँ पर या फिर 3 है या फिर 2 है या फिर 8 है, तो इसके पावर को जो पावर है इसके पावर को हम लोग 4 से भाग देंगे सबसे पहले, तो इसके पावर को 4 से भाग दे करके भागफल ज्ञात, भाग दे करके उसका शेषफल ज्ञात करेंगे, यदि शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है तो इसका पावर उतना ही समझेंगे जितना से भाग दिए हैं, यानी कि 4 से हम भाग दिए तो उसका पावर 4 रखेंगे, यदि 0 हमें शेषफल प्राप्त होगा तो, नहीं तो यदि शेषफल 0 के बदले में 1, 2 या 3 प्राप्त होता है, यानी कि जो शेषफल प्राप्त होता है वही हमारा 7 की पावर चला आएगा, इस प्रकार हमारा इकाई अंक निकलेगा। जैसे 3127 के पावर 173 है, तो सबसे पहले हम इसके पावर को 4 से भाग दे लेंगे, यानी कि 7 है इसमें, 3, 2 और 8 है यदि यहाँ पर, तो इसके पावर को हम लोग 4 से भाग दे लेंगे, यानी कि 173 में जब 4 से भाग दे लेंगे तो 4×16 फिर 13 बचेगा, फिर 4×3 = 12, यानी कि शेषफल 1 हमें बचेगा, तो 7 की पावर यानी कि जो शेषफल बचा है वही अब 7 की पावर के रूप में चला जाएगा, यानी कि 7 की पावर 1 यानी कि 7 हो जाएगा हमारा इकाई अंक। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 71 × 6 की पावर 59 × 3 की पावर 65 का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक इसमें भी पूछा गया है, तो 7 की पावर 71 है, यानी कि सेकेंड रूल्स के अनुसार यहाँ पर हम 7 की पावर 71 है, तो 71 में यानी कि पावर में घात में हम 4 से भाग दे लेंगे, तो जब 71 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल के तौर पर 3 बचेगा, यानी कि 17×64 17 बार में चला जाएगा, 3 हमारा शेषफल बचेगा, तो जो शेषफल बचेगा वही इसका पावर चला आएगा, यानी कि 3 जो शेषफल बचा है अब 7 की पावर 3 को लिख लेंगे, उसी शेषफल को पावर के रूप में लिख लेंगे। फर्स्ट रूल के अनुसार हम यह जानते हैं कि जब 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो इसका पावर चाहे कुछ भी हो जाए हर कंडीशन में उसका जो इकाई अंक आता है तो 6 है, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार, यानी कि इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, × 3 की पावर 65 है, यानी कि सेकेंड रूल्स के अनुसार यहाँ पर भी चलेंगे, 3 है तो इसके पावर को हम लोग 4 से भाग दे लेंगे, तो 65 है 4 से भाग देंगे तो 16 बार में चला जाएगा, 16×64 शेषफल बचेगा 1, यानी कि 3 की पावर 1 चलाएगा पावर के रूप में, जो शेषफल बचा वही पावर चला गया, यानी कि अब निकाल लेंगे तो 7 की पावर 3 है, यानी कि 343 होता है, 343 होता है क्यू, 7 का क्यू 6 है × 3 है, इसका इकाई अंक पूछा है, तो 3×9 हो गया, 9×6 = 54 हो गया, यानी कि हमें इकाई अंक से ही केवल मतलब है, अतः इकाई अंक हमें 54 मिल गया है, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करना गुणा करना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि हम नहीं करेंगे। 6×3 = 18 18 यानी कि 1 को छोड़ देंगे, 8 को लीजिए, 8×3 = 24
यानी कि चार हमारा इकाई अंक सिर्फ पूछा गया है और हमें इकाई अंक मिल चुका है चार, इसलिए बाकी को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि छोड़ देंगे, क्योंकि जो पूछा गया है इकाई अंक वो हमें प्राप्त हो चुका है, इकाई अंक के रूप में चार मिल गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 × 82 × 83 … 89 का इकाई अंक पूछा गया है कि क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन के रूप में है 81 × 82 × 83, उसके बाद में डॉट डॉट है यानी कि आगे आने वाली संख्या हमारा 84 भी है, 85 भी है, 86, 87 और 88 भी है। तो इस प्रकार से इकाई अंक पूछा गया है यानी कि यहाँ 83 के बाद में 84 भी होगा और 84 के बाद में 85 भी होगा, यानी कि हम सबका इकाई अंक ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 85 है यानी कि 85 का 5 हो गया गुणे यहाँ पर 82 है, 82 यानी कि एक बार 2 में और 5 में जब मल्टीप्लाई होगा तो उस समय 0 आ जाएगा 2 में 5 में, यानी कि यहाँ पर 85 आ जाएगा और यहाँ पर 82 है, यानी कि 85 में से 5 से, 85 में के 5 से और 82 में के 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दुना के 10 आ जाता है। जब एक बार जब 10 आ गया यानी कि 0 आ गया, इकाई अंक उसका 0 आ गया, जब इकाई अंक एक बार 0 आ गया तो 0 में किसी भी संख्या से आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ही उसका इकाई अंक 0 ही आएगा, अतः इकाई अंक हमारा जो है वह 0 हो गया। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है 7 × 95 − 3 × 58 का इकाई अंक क्या होगा। 7 × 95 दिया है माइनस 3 × 58 का इकाई अंक पूछा गया है कि क्या होगा। तो सेकंड रूल्स के अनुसार जब यहाँ पर 7 है तो इसके घात को पावर को 4 से हम डिवाइड करेंगे, भाग दे लेंगे 95 को, यानी कि पावर को हम 4 से जब भाग देंगे तो दो बार में जाएगा 8, फिर 15 हो जाएगा 12, तीन बार में जाएगा, शेष फल जो बचेगा वह 3 बचेगा, यानी कि 7 × 3 हो गया, माइनस 3 है, 3 × 58 है, यानी कि सेकंड रूल्स के अनुसार यदि 3 है यहाँ पर और इसके पावर में कुछ भी रहता है तो इसके पावर को यानी कि घात को हम 4 से भाग दे लेते हैं, तो 4 से भाग दे लेंगे तो 14 × 56 यानी कि 14 बार में जाएगा, शेष फल 3 बचेगा, शेष फल बाकी 2 बचेगा तो 3 × 2 चला जाएगा, जो शेषफल बचेगा वही पावर हम रख लेंगे। 95 में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आया है तो शेषफल जो 3 आया है वही 7 × 2 के रूप में चला गया। उसी तरह से 58 में हम 4 से भाग दिए हैं तो भाग जो शेषफल आया है 2 वो 3 × 2 हो गया, अर्थात 3 का क्यू होता है 343 होता है 343 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इसका इकाई अंक पूछा है चुकी तो 13, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4 हो गया, इसका इकाई अंक 4 हो गया, बाकी हमें घटाने की कोई जरूरत नहीं है, इकाई अंक पूछा है और हमें इकाई अंक प्राप्त हो चुका है, अतः 13 में से 9 गया 4 हो गया हमारा आंसर इकाई अंक, बाकी को जो कहते हो हम छोड़ देंगे, हमारा आंसर हो है 4 यानी कि इकाई अंक हमें 4 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 694 × 338 × 787 × 523 का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक पूछा गया है तो प्रत्येक का इकाई अंक से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा इकाई के स्थान पर वही हो जाएगा फाइनली हमारा आंसर। जैसे इकाई अंक पूछा है तो इसमें 3 से 7 में गुणा कर लेंगे, इसका 8 से गुणा कर लेंगे, फिर 4 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 321, 321। अब 21 में से 2 को आप छोड़ दीजिए, 1 को ले लीजिए, चूंकि इकाई अंक ही पूछा जा रहा है, बाकी नहीं पूछा जा रहा है कि कुल कितना होगा, तो 3 में 7 में मल्टीप्लाई किए तो 721, 21 में से हम 2 को छोड़ दिए, 1 को ले लिए, अब 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 8 हो गया। अब 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक में 8 मिला, 8 में 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 4 = 32,
32। अब उसमें से भी हम तीन को छोड़ देंगे, बाकी जो शेष बचा दो, दो हमारा इकाई अंक हो गया, आंसर हो गया। यानी कि देखिए 8 × 4 = 32, 32 में से तीन को आप छोड़ दीजिए, दो को ले लीजिए, 2 × 7 = 14, 14 में से एक को छोड़ दीजिए आप, 4 को लीजिए, 4 × 3 = 12, 12 यानी कि 12 में एक को छोड़ दीजिए, दो को रखिए, चूंकि आपको इकाई अंक से मतलब है, बाकी सारे अंकों से मतलब नहीं है, इसलिए आपका इकाई अंक 2 मिला, अतः 2 हो गया आंसर आपका। अगला रूल देखते हैं, 4, 9, 4 तथा 9 का इकाई अंक ज्ञात करना होता है, तो इसके सबसे पहले इसके घात को यानी कि पावर को हम 2 से भाग देते हैं, भाग दे करके शेषफल ज्ञात किया जाता है। यदि शेषफल इसका 0 प्राप्त होता है तो हम इसका घात उतना ही समझते हैं जितना से हम भाग दिए हैं, अन्यथा इसका जो शेषफल बचता है वही इसका घात यानी कि पावर के रूप में चला आता है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि कोई संख्या है 3, 4, 7, 5, 9, इसके पावर जो कुछ भी है 173 यदि हम पावर दे लेते हैं तो इसके पावर के रूप में जो भी है इसके पावर को हम 2 से भाग दे लेंगे, भाग देंगे तो इसका पावर को 2 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 9 है यहाँ पर, तो थर्ड नियम के अनुसार हम लोग यहीं चलेंगे, चूंकि 4 और 9 के लिए जो नियम है इसके पावर को 2 से हम लोग भाग दे लेते हैं, इसका पावर 173 है तो पावर में 173 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमें 1 बचेगा, यानी कि 9 के पावर 1 हो गया, यानी कि 9 हो गया इसका आंसर। उसी तरह से यदि कोई संख्या है 3, 5, 4 है, इसके पावर को हम 155 है, इसके पावर 155 है, तो इसके पावर को सबसे पहले हम देखेंगे कि यह किस रूल को फॉलो कर रहा है, किस रूल के नियमों को फॉलो कर रहा है, तो यह थर्ड रूल के अनुसार यानी कि 4 जब 9 हो, 9 है और 4 है, तो ऐसी अवस्था में इसके पावर को यानी कि घात को हम 2 से भाग दे लेंगे, जब 2 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल जो बच रहा है वह 1 बच रहा है, यानी कि शेषफल 1 बच रहा है, तो शेषफल 1 बच रहा है वही अब शेषफल जो है इसके पावर के रूप में चला आएगा, यानी कि 4 हो गया हमारा इकाई अंक हो गया। इसे और क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 2464 के पावर है 1793, 615 के पावर है 317 तथा 131 के पावर है 491 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक पूछा गया है कि इकाई अंक क्या है, तो ये हमारा थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि 4 या 9 हो तो उसके पावर को घात को हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं, यानी कि 4 है तो इसके पावर को फर्स्ट इकाई स्थान जो है इसका संख्या का 4 है, यानी कि थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके पावर को हम लोग 2 से भाग देंगे, तो जब 1793 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमें 1 बचेगा, यानी कि 4 के पावर अब 1 हो गया। उसी तरह से फर्स्ट रूल हमें यह बतलाता है कि जब 0 हो, 5 हो, 1 हो या फिर 6 हो तो उसका इकाई स्थान हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है, अतः यहाँ पर 5 है तो इसका 0, 1, 5, 6 ही होता है, अतः यहाँ पर 5 है तो इसका इकाई अंक 5 ही हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो फर्स्ट रूल के अनुसार यानी कि 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो तो उस वक्त हमारा इकाई स्थान जो है वह 0, 1, 5, 6 ही होता है, अतः यहाँ पर भी हमारा इकाई स्थान 1 हो जाएगा। अब जो है इकाई स्थान यानी कि 5 × 20 में यानी कि 0 हो गया, तो हमारा इकाई स्थान जो है 0 हो गया। इस प्रकार से हम लोग देखें कि जब 0 हो, फर्स्ट रूल के अनुसार 0, 1, 5, 6 का इकाई स्थान हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। सेकंड रूल हमारा यह था कि 2, 3, 7, 8 का इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए इसके पावर को यानी कि इसके घात को सबसे पहले हम 4 से भाग दे लेते हैं, भाग दे करके इसका शेषफल ज्ञात किया जाता है, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो इसका घात उतना ही समझा जाता है जितना से भाग दिया गया है, यानी कि 4 से भाग दिया गया है तो पावर इसका 4 हो जाएगा। यदि शेषफल इसका कुछ और बचता है, 1, 2 या 3 बचता है, यानी कि यदि शेषफल
कोई और संख्या बचती है तो इसका जो शेषफल होता है वही पावर के रूप में चला जाता है। जबकि थर्ड रूल था कि चार तथा नौ का इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए इसके पावर को यानी कि घात को हम लोग दो से भाग दे लेते हैं, भाग दे करके शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल यदि जीरो प्राप्त होता है तो इसका घात उतना ही समझा जाता है जितना से भाग दिया गया है, अन्यथा इसका शेषफल नहीं इसका घात हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग इकाई स्थान को निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से सारा डाउट क्लियर होगा।